एशियन किचन। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ बर्गर की, जो आपके घर में झटपट आप अपने बच्चों को हल्की फुल्की भूख में बना के दे सकते हैं। ये मैंने बर्गर लिए हैं और ये मैंने गर्म कर लिए हैं। पिज़्ज़ा सॉस लूँगी, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप डालें, नहीं तो आप इसकी जगह पर केचप भी डाल सकते हैं। ये मैंने एक सॉस बनाई हुई है, मायनीज, केचप। तो ये मैंने केचप में मस्टर्ड पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, तो आपके सामने मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मायनीज डालूँगी, मैंने पहले भी डाला था, अभी फिर डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये हमारी सॉस तैयार, हल्की फुल्की भूख में बर्गर। तो हम अपना ये वाला पीस लेंगे और इसमें अपनी ये वाली पेस्ट लगाएंगे। वाओ, बर्गर बन रहा है जी। और ये जो दूसरा वाला पीस है, इस पे मैं थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी, क्योंकि ये स्पाइसी होती है और मैंने बच्चों को देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। ये देखेंगे, तो ये हमारे पास शामी कबाब है, हमने ये इसके ऊपर रखना है। शामी कबाब ही रख दिया, अब इसके ऊपर मैं ये खीरा रखूंगी। और मैंने ये थोड़े से प्याज काटे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप रखें, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, जो वो आपकी पसंद है। आप जैसा मर्जी अपना टेस्ट बना सकते हैं। मैंने अंडे को उबाल लिया है और मैंने इसको, मैं स्लाइस में अंडे को काट लूंगी। ये देखेंगे, मैंने अंडे को यहाँ पे रख दिया, ऊपर से सिंपल मायनीज डालूंगी, जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उतना डाल लें। अगर और सॉस डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। थोड़े से मैंने ऑलिव्स लिए हुए थे, ये डाल दूंगी। और ये जो हमारा ऊपर वाला पीस है, इसको हम ऐसे बीच में रखेंगे और इसके ऊपर हम एक एक ऑलिव रख देंगे। ये लीजिए, हम इसको डिश आउट करते हैं। ये और ये, तो ये देखें जी, हमारे सिंपल से बर्गर तैयार। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए बहुत आसानी से जल्दी जल्दी उनकी भूख को ख़त्म करना हो तो आपको ये बर्गर आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। चाहे तो आप इसे गर्म करें, चाहे ना करें गर्म, मैंने हल्के से गर्म कर लिए थे। आपको एक काट के भी दिखाती हूँ, कितना मजे का लग रहा है जी। ये रहा हमारा झटपट सा बर्गर की रेसिपी। आप किसने चेक कर लो, चले ले आप इस उठाए। एक और आयशा, ये देखेंगे बहुत बहुत यम्मी है। तो ये जी, हम ना
बहुत यम्मी है जी। नाइस, थैंक यू। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी लेकर जल्द हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।